नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं सुशील तिवारी YouTube चैनल। राजनीतिक खेल ज्वलंत मुद्दों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख खबरों से। कहीं कहीं तो भैया बैठे बैठे काम हो जा रहा है। आयुष्मान कार्ड का अगर मैं डाटा आपसे थोड़ा सा मुझको दिखाइए सर, ये थोड़ा समय आपका क्या है, सुबह से शाम तक कितने बजे तक बैठते हैं? 10 से 5। 10 से 5, 5:15 जैसा काम होता है उसके बाद बढ़ जाता है टाइम। कंप्यूटर किया आपने? यस। कौन सा कोर्स है? CCC किया है। CCC था। CCC में क्या क्या आप कर लेती हैं? एक्सेल पे वर्क कर लेती हूँ। तो जो फरमान है आला अधिकारियों का, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भैया सबसे पहले जरूरी है पंचायत भवन, पंचायत भवन को आप दिखाइए। और मैं उसी को दिखाने के लिए आ पहुँचा हूँ। गाजीपुर ज़िले का गांव है भगीरथपुर, और भगीरथपुर में मैं अगर आपको दिखाऊं तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं सबसे अच्छी तस्वीर आपको मिलेगी। बहुत कम गांव में है जो मेरे ग्राम पंचायत भगीरथपुर के साथ जो नीचे ग्राम पंचायत समिति लिखा है, मतलब ग्राम प्रधान के नाम के बाद जितने भी वार्ड मेंबर हैं सभी के नामों को अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। कैमरे भी दिख रहे हैं, थोड़ा सा मेरे जो सहयोगी हैं, कैमरे लगभग 4 जोन हैं सड़क मार्ग से लेके जहाँ पे हम खड़े हैं, और जो पंचायत सहायक जहाँ पे काम कर रही हैं वो भी दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ जो सभागार है वो भी आपको दिख रहा है। अब मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, आपके ही कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ है? जी सर, अभी हाल ही में बना है। हाल ही में? जी। डेंटिंग पेंटिंग बहुत शानदार है जी, करवाया गया है। आप सोचा था कि जिस गांव में खेल रहा हूं, जिस गांव में पढ़ रहा हूं, उसी गांव का एक दिन मुखिया बन जाऊंगा? ये तो था इच्छा पढ़ते वक्त ग्रेजुएशन में जब हम थे तो नेतृत्व का इच्छा जगा था। कि नहीं, कहाँ से? ग्रेजुएशन हम किए थे यहीं महात्मा गांधी सत्य स्मारक महाविद्यालय गरुआ मकसूदपुर से। जी सर, आज तो ग्राम प्रधान बन गए आप। जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। वही आपकी वाइफ है? जी। उसकी देख रेख? जी जी जी। आप छूटा क्या है, अभी तो शुरुआती आपका ये समय चल रहा है, क्या क्या है जो आपने किया है ग्राम प्रधानी में भगीरथपुर? अभी ग्राम प्रधान होने के बाद हम जो है शासन की मंशा के अनुरूप प्रथम काम हम लोग प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय का निर्माण करवाया गया, और शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग विद्यालय की कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय में 2 कक्षा को टैलीकरण करवाया, और प्राथमिक विद्यालय में अभी हमारा प्राथमिक विद्यालय गहरे में था तो उसमें मिट्टी भराई का कार्य हमने करवाया है, अभी उसमें शेष कार्य बकाया है, ये जो है इंटरलॉकिंग का कार्य बकाया है, बहुत कुछ बकाया है। उसके बाद अधूरा पड़ा हुआ एक काम था पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय, जो शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, इसको हमने जो है लग करके पूरा करवाया, और इसके अलावा बहुत कुछ काम है जो अभी करना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्षेत्रफल बड़ा है आपके गांव का जी, भूभाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अभी और मंशा क्या है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि हमारी वाइफ ग्राम की मुखिया हैं, गांव की सरबरा हैं, लेकिन राकेश यादव को कुछ ऐसा करना है कि मिसाल बने और अगली बार जब चुनाव हो तो घूमना न पड़े, लोग कहें भैया वही ठीक है चलिए चुन लेते हैं। देखिए, भी बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे हमारे गांव में बहुत कुछ करना है, रास्ता का अभाव है, रास्ता और चक्रोड चकनाली ये सब चीज़ चकबंदी न होने की वजह से सारी समस्याएं व्याप्त हैं, और सारे रास्ते जो है बनवाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में मेरी सबसे प्राथमिकता होगी कि चकबंदी का कार्य मैं करवाऊँ, इसके लिए मैं शासन स्तर तक लगा हुआ हूँ, और जल्द से जल्द उसमें हमारी उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाऊंगा। नियुक्तियां सरकार ने की पंचायत सहायक की जी, लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और सरकार उस पर अच्छा काम कर रही है, ग्राम प्रधान भी लगे हैं कि अच्छे लोगों को वहां पे बैठाया जाए गांव के हित के लिए जी। तो मैं चाहूंगा आप चलें और दिखाएं। चलिए सर, अभी दिखाते हैं आगे। दोस्तों चलते हैं, कंप्यूटर कक्ष लिखा है, और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने अंदर प्रवेश किया और यहाँ पे वर्क हो रहा है, काम चल रहा है, थोड़ा सा बैठिए, काम चल रहा है, और देख के अच्छा लगा एक महिला कार्य कर रही है, मतलब कि बदलते
भारत की तस्वीर का एक ऐसा आईना पंचायत सहायक अगर ऐसा काम करता है, दोस्तों गांव की तस्वीर बदल जाती है और ज़िले में एक ऐसा संदेश जाएगा, ताकि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं पंचायत सहायक की नियुक्तियाँ अच्छी हो नहीं रही हैं, लेकिन आप भागीरथपुर में आइए, मैं सुशील तिवारी आपको डंके की चोट पर दिखा रहा हूँ, समय भी मैं आपको दिखा दूँ, समय भी देख लें भैया, आज तारीख क्या है, अक्टूबर 11 अक्टूबर है, 11 6 मिनट का कार्य इस समय लगातार जारी है। आपका नाम? अर्चना यादव। अर्चना, नियुक्तियाँ आपकी कब हुई हैं? दिसंबर से। कहीं कहीं तो भैया बैठे बैठे काम हो जा रहा है, प्रधान जी लोग क्या कर रहे हैं आप जान रहे हैं, लेकिन भागीरथपुर की बदली तस्वीर वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपका यहाँ पे कार्य क्या है? अभी आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ, जो लोग भी आ रहे हैं उन लोगों विधवा पेंशन का भी कर रहे हैं, विधवा पेंशन का भी कर रही हूँ। आयुष्मान कार्ड का अगर मैं डाटा आपसे थोड़ा सा मुझको दिखाइए सर, ये हाँ थोड़ा सा जो हमारे कैमरामैन है दिख रहा है। समय आपका क्या है, सुबह से शाम तक कितने बजे तक बैठते हैं? 10 से 5। 10 से 5, 5:15 जैसा काम होता है उसके बाद बढ़ जाता है टाइम। कंप्यूटर किया आपने? यस। कौन सा कोर्स है? CCC किया है। CCC था। CCC में क्या क्या आप कर लेती हैं? एक्सेल पे वर्क कर लेती हूँ। एक्सेल पे वर्क कर लेती हूँ, इनमें ज़्यादा वर्क होता है इस वजह से। एक्सेल पे ही इसमें ज़्यादा वर्क है? यस सर। दोस्तों मैं वही वीडियो ला रहा हूँ, कितने खुश हैं आप। ऐसे तो दूसरे गांव में मैं जब गया हूँ तो या तो ताला बंद है, नहीं भैया भागा नहीं तो सुशील बाबा आगे ना बड़ा बवाल हो गए। ऐसी बात नहीं, हम तो बहुत खुश हूँ और हमारी पंचायत सहायक बहुत अच्छा काम भी कर लेती हैं, पढ़ी लिखी हैं। हमारे यहाँ 7 आवेदन आए हुए थे, उसमें प्रथम वरीयता में इनका था। दोस्तों खुश है जी, और महिला के तौर पर अच्छा लगता है, और मेरे लिए भी ये गर्व का विषय है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और भागीरथपुर से मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। इनको भी सहायक पद पे हैं, लगातार अच्छे कार्य, मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं, आप अच्छा करें। थैंक यू सर। अभी आया ग्राम पंचायत समिति के जो आपके मेंबर हैं, आपने उनका भी नाम डाल दिया है। हमने सोचा कम से कम हमारे साथ सहयोगी लोग हैं और 5 वर्ष तक हमारे साथ कोई भी गाँव की योजना रहेगी तो इन लोगों से मिल करके बनाना है, इन लोगों से राय मशवरा लेकर के हम लोग काम करते हैं, तो इन लोगों का भी नाम हमारे साथ हमेशा जिंदा रहे, जुड़ा भी रहे। ये चीज़ जो है हमने सोचा कि नहीं, ये चीज़ किया जाए, कुछ नया यूनिक चीज़ किया जाए जो हमारी ग्राम पंचायत में अलग से हो और लगातार जारी भी रहे। लगातार जारी भी रहेगा ये कारवां, और ये लोग हैं, लोगों ने मुझको समय भी दिया, सफलता की बुलंदी पर है भागीरथपुर, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी ओर से, मेरे चैनल की ओर से इन्हें अनंत शुभकामनाएँ, आप इसी तरीके से अपने गाँव का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।